हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले को के बारे में डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे आइलेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फार्मूले को यहाँ पे दर्शा दिए हैं। फर्स्ट, अगर दो फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बाय पार्ट्स, और आइलेट का कैसे हम करेंगे यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं थोड़ा ब्रीफली, थोड़ा डीपली जाके आइलेट को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहले डिस्कस करते हैं, अगर fx को एक फंक्शन दिया और gx दो फंक्शन दिए हो, बाय पार्ट से आपको करना होगा, तो फर्स्ट फंक्शन रख देंगे, सेकंड का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन d बाय dx किसका, फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन। अब बाती है आइलेट, ये आइलेट होता क्या है। तो I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लॉगरिथम, A का मतलब एल्जेब्रिक, T का मतलब टेक्नोमेट्री, E का मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉटेक कॉट हुआ, कॉसेक हुआ, ठीक है, इनवर्स लगा के। तो ये क्या होते हैं इनवर्स फंक्शन। अब बात करते हैं लॉगरिथम, जैसे लॉग एक्स हुआ, लॉग एक्स स्क्वायर हुआ, तो लॉगरिथम फंक्शन। अलजेब्रिक की वन हुआ, एक्स हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ, एक्स अपान में एक्स क्यूब हुआ, तो इस तरीके से हमारे होते हैं लॉगरिथम अलजेब्रिक फंक्शन। बात करें टेक्नोमेट्री के, साइन कॉस टैन ये सब क्या है, टेक्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल ई के पावर एक्स, ठीक है। तो अब बात उठती है कि आइलेट मतलब कैसे अपने क्वेश्चन में अप्लाई किया जाए। अब देखिए सीक्वेंस, यहाँ इनवर्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे फर्स्ट में है, फिर लॉगरिथम सेकंड में, ये थर्ड फोर्थ। अब बात बताते हैं आपको, अगर आपको यहाँ पे दिया है एक्स लॉग एक्स, तो आप इसमें से फर्स्ट फंक्शन किस किस के मतलब किसे मानेंगे वो डिसाइड करता है आइलेट। अब देखिए लॉगरिथम फंक्शन का नंबर कौन सा है, सेकंड, यहाँ पे किससे, एक्स यहाँ पे अलजेब्रिक से ऊपर है, तो एल्जेब्रिक से ऊपर वाले है वो उसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, और बाकी इसको सेकेंड मांग लेंगे, ठीक है। यानी इस सीरीज में जो ऊपर रहेगा उसको फर्स्ट फंक्शन और बाकी को सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया आपको e के पावर x साइन इनवर्स x, अब यहाँ पे कौन सा फर्स्ट फंक्शन, ऑलरेडी आपको इनवर्स फर्स्ट नंबर पे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज के लिए ई के पावर एक्स साइन एक्स, तो साइन टेक्नोमेट्री फंक्शन क्या है, ऊपर है, और एक्सपोनेंशियल नीचे है, तो यहाँ क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, ये मेथड होगा। अगर आप मानना सीख गए, आपको आ गया, हाईलाइट आपको याद हो गया, तो क्वेश्चन क्या होता है बहुत इजी से निकल जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही फंस जाता है, पेचीदा हो जाता है। तो ये आइलेट इसीलिए दर्शाया गया है, आइलेट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप फंक्शन को मानना सीखे, कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, तो क्वेश्चन आपका इजी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी समझा दिया कि जो भी यहाँ पे सीक्वेंस वाइज में ऊपर रहेगा उसको क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके आईलेट को समझ लीजिए पूरा, मैंने एग्जांपल सहित यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो आपको ताकि इजी से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे एक्स लॉग एक्स मान लीजिए दिया हो, तो इसको किस तरीके से आप मतलब फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, ये डिसाइड करेगा आइलेट। अब लॉगरिथम फंक्शन क्या था, ऊपर था, और हमारा एलजेब्रिक उससे नीचे था, यानी कि हम लॉग को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय पार्ट्स मेथड से, दो फंक्शन के फार्मूले से। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, लॉग को रख लेंगे, सेकेंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx, माइनस लगा देंगे d बाई dx किसका है, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है, लॉग x। अब यहाँ इंटीग्रेशन किसका है, सेकेंड का, सेकेंड क्या है हमारा x, ठीक है, यहाँ पे dx लगा देंगे। चलिए log x, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपान में 2 माइनस d बाई dx, log x क्या होता है हमारा 1 बाई x होता है, और यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वायर अपान में 2 dx। अब
यहाँ पे देखिए x से x क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब आगे लिखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन में 2, पहले लिख लेते हैं log x, यहाँ पे 1 बाई 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x dx बन जाएगा। ठीक है, ऊपर का हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, फाइनल आंसर के तरफ ले जाएंगे आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन में 2 log x माइनस 1 बाई 2। अब x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस c लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। अब देखिए x स्क्वायर अपॉन में 2, x स्क्वायर अपॉन में 2 क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 को जब कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा log x माइनस 1 बाई 2 प्लस c। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 4 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 2 log x माइनस 1 प्लस c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने बताया कि आईलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसका सीरीज सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी से निकल जाएगा। अब अगर आपको मानना आ गया कि फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करना है तो इजी से क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।